सत श्री अकाल जी, हरजिंदर वालिया चैनल ते थोड़ा स्वागत। प्यारे दर्शकों, ये जड़ी है तीसरी मोटिवेशनल वीडियो है जड़ी मैं थोड़े नाल सांझी कर रहा। कल जदों मैं गल कीती कि जो तुरदे हन उही पुजदे हन, ते तुरना बहुत जरूरी है, मतलब कोशिश करनी सफलता लई बहुत जरूरी है। ते अज जिहड़े थोड़े सवाल आए ने उन्हां दे विच सब तो ज़्यादा तो यही पुछा गया कि किधर नूं कदम पुटिए। एक दो बड़े बंदियां ने यह भी कहा कि असीं कदम पट ले ने, चंगी गल है, मुबारक, लगे रहो। लेकिन जिन्हां ने एक पुछा कि कदम किधर नूं पुटिए, तुरना चाहुंदे आ, दसो कित्थे पुजिए, बिल्कुल सही सवाल कीता है। सब तो जरूरी तो यही सवाल है ना कि जिंदगी दे विच तुसी पहुंचना कित्थे, थोड़ी मंजिल केड़ी है, थोड़ा आदेश की है, तुसी जड़ा आदेश बना लिया जां बनाउणा है, मंजिल मिथली जां नहीं मिथी, यही तो बड़ा सवाल है। जिहदी मैं कल गल कीती सी कि बहुत सारे लोग पता ही नहीं हुंदा कि वह जीव क्यों रहे ने, उन्होंने अल्टीमेट जाना कित्थे है, उन्हां दी मंजिल की है, उन्हां दा सुपना की है। इस करके बार बार लगातार मैं ये कहता रहा कि तुसी एक बड़े सुपने साज बनो और सुपने लाओ, बड़े सुपने लाओ, बड़ी मंजिल, बड़ा आदेश होना चाहिए थोड़ा। हाँ, एक गल ख्याल रखो, सुपने शेख चिद्दी वाले नहीं, सुपने वो लेने ने जिहड़े थोनू सौन ना देन। सुते हुए जिहड़े सुपना देखते उन्हां दा इहदे नाल कोई लिंक नहीं। सुपने का मतलब कि थोड़ा अपना एक आदेश, मंजिल, टीचा, जिथे तुसी पहुंचना है, जे तुसी वह बना लिया उधर नूं थोड़ा मूँह हो जाना है। सो इस करके पहला नुकता इस वीडियो का यही है कि थोड़ा कोई बड़ा सुपना चाहिए जिंदगी दे विच। बस जदों तुसी बड़ा सुपना ले लिया, बड़ी कोई मंजिल मिथ ली, कोई आदेश बना लिया, तो फिर उधर नूं कदम चुकना है। उत्थे कहा सी जो तुरदे हन जिहड़े उधर नूं तुरनगे वह पुज भी जाणगे, वह पहुँचणगे भी जरूरी, ये गल कही सी। तो बार बार फिर पूछा जाता है कि जी फिर किवें करिए, तो तुसी जिहड़ा सानूं यह कहा भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाल नहीं, मैं कल्ला लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र नहीं किया, मैं अपनी किताब दे विच भी, जितना मात्र दे विच भी यही कहा कि भावें लॉ ऑफ अट्रैक्शन नूं मान लो, भावें धर्म नूं मान लो, भावें लोक सियानक नूं मान लो, किसी नूं मान लो, गल इक्को ही है। मान लो जदों लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चर्चा होनी शुरू हुई खिच दे सिद्धांत की, पिछले 10-12 साल तो ज़्यादा चर्चा हो रही है, उस वेले मेरे दिमाग च आया कि यह तो हुण हो रही है, कि साढ़े गुरुआं ने सानू कुछ दस्या इहदे बारे। तो फिर जदों मैं देखिया गुरबाणी च तां स्पष्ट लिखा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब चों स्पष्ट है, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, जिस तरह की दृष्टि, जिस तरह सोचोगे वैसा होएगा। ये लिखे जो मांगे ठाकर अपने से, मंगे तो सही, असीं तां कदे मंगिया ही नहीं, असीं तां एम बनाउंदे ही नहीं, ये साडा धर्म कहिंदा। कल्ला सिख धर्म की गल ना करिए, मैं महाभारत का एक श्लोक की गल करदा। पुछदा एक दिन सारथी नूं, अर्जुन पुछदा देवकी नंदन असीं ये युद्ध जित भी लवांगे, तो जवाब की है कृष्ण जी का, वह कहिंदे अर्जुन जिस तरह की श्रद्धा होंदी है उस तरह होंदा, जिस तरह का विश्वास होंदा उस तरह होंदा, असल तो खेड ही विश्वास की है। जे थोनों विश्वास नहीं, तुसी कदे नहीं जित सकते, तुसी मंजिल मिथली सी, आदेश बना लिया, जे थोनों विश्वास नहीं तो तुसी नहीं पहुँच सकते। तो यही गल महाभारत भी आती है, गीता के पाठ च, जैसी दृष्ट करे, ये गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है, मंग लो ठाकर तो। तो फिर तीजी एक बहुत बड़ी सियानप होंदी है, लोक सियानप, जी कहा जाता है जिथे चाह उथे राह, जही नीयत तही मुराद।
ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਈਬਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਇੱਛਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਅ ਦੇਖੋ, ਲਾਅ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਅ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਥੱਲੇ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣੀ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਅ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹ ਮਨ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਚੱਲਿਆ ਆਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚੋਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹਰ ਵਕਤ ਸਿੰਨੇ ਖਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਰਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਥ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਆਦੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਜੋ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇੜ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।